हेलो और वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में। और आपने मुझे जो क्वेश्चन लिखा है, बहुत सारे क्वेश्चन अपडेट के बारे में बहुत हैं हीमोफीलिया के, कि नया अपडेट क्या है हीमोफीलिया में। और जो हमने जीन थेरेपी के बारे में पहले डिस्कशन किया था कि जीन थेरेपी आने वाले समय में एक ऐसी थेरेपी है जिससे कि हमें इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। ये जो हमें फैक्टर लगवाने पड़ते हैं ये भी हमें नहीं लगवाने पड़ेंगे आने वाले भविष्य में, और जो ट्रीटमेंट है वो बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हम कह सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट हो जाएगा अगर जीन थेरेपी आ जाती है और वो सक्सेसफुल रहती है। मैं जो लोकनायक हॉस्पिटल है उसके संपर्क में हूँ, और मैंने आज भी वहाँ कॉन्टेक्ट किया था लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। वहाँ जो कंसर्निंग पर्सन थे मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन फर्दर मैं कल या परसों में फिर से उनसे बात करूँगा और जो भी अपडेट होगा जीन थेरेपी के बारे में वो मैं आगे लेकर आऊँगा। फिलहाल आज जो आपका क्वेश्चन है वो जीन थेरेपी के बारे में है, और कुछ लोगों ने मुझे जीन थेरेपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन किया है कि अगर पेरेंट्स में से कोई भी अगर उसको हीमोफीलिया होता है तो उनके बच्चों में किसको हीमोफीलिया होगा और कौन कैरियर होगा। एक तो ये कन्फ्यूज़न है। दूसरा मुझे एक क्वेश्चन ये आया है कि एक व्यूअर है हमारे, उन्होंने लिखा है कि मुझे फैक्टर एक्स है तो कौन से ग्रुप में आएगा, ए या बी, फैक्टर 8 या 9 में कन्वर्ट किया है तो फैक्टर एक्स किस में आएगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ थोड़ा सा नॉलेज की थोड़े से कन्फ्यूज़न भी लग रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि वो यहाँ जहाँ हम हीमोफीलिया ए या बी की बात करते हैं या फिर फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की बात करते हैं, तो उसमें ये तो जाहिर सी बात है कि जहाँ एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है तो उसमें से कोई एक डिफेक्टिव है, इसीलिए ये बीमारी एक से दूसरे में जा रही है। तो ये जो एक्स लिखा है इसमें इन्होंने हमसे ये पूछा है कि फैक्टर एक्स है तो कौन से ग्रुप में आएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर कि एक्स है तो कौन से ग्रुप में आएगा, बल्कि ये तो जहाँ अब आप जाएंगे तो ए है या बी की कैटेगरी में आप आ रहे हैं या फिर आपको कौन सा फैक्टर लगेगा, ये तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद में डिसाइड हो ही जाएगा। फिर किस कैटेगरी से कहाँ से आपको किस तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा ये तो एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन एक्स और वाई में जो मुझे लगता है आपको कन्फ्यूज़न है, तो उसको हम एक चार्ट के माध्यम से, मैं आपको डायग्राम से फिर बोर्ड पर लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ पर समझाता हूँ कि ये एक्स और वाई का क्या संबंध है और कैसे ये हमें इफ़ेक्ट करता है, या फिर हमारे द्वारा ये जो हमारी आगे की जो जनरेशन आएगी वो कैसे इससे हीमोफीलिया को एक से दूसरे में लेकर जाएगी। तो इसको आइए हम एक बोर्ड पे एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। हीमोफीलिया को हम यहाँ पर इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने रेड कलर का इस्तेमाल किया है इसमें आधे में, और आधे में हमने ब्लैक कलर का मतलब है नॉर्मल, और आधे में मतलब कि उसमें हीमोफीलिया है। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक ही कलर का इस्तेमाल किया है, यानी ये नॉर्मल है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिख रही है, मेल में एक्स और वाई और फीमेल में एक्स एक्स। मेल के अंदर एक एक्स यानी जो फीमेल का एक अंश होता है वो भी होता है, और साथ ही साथ उसमें वाई यानी जो मेल को रिप्रेजेंट करता है वो होता है, यानी मेल और फीमेल के दोनों के अंश से मिलकर ही एक मेल बनता है, और एक फीमेल जो होती है वो एक्स और एक्स से मिलकर बनती है, यानी उसमें ये वाला पार्ट भी फीमेल का रहता है और ये भी फीमेल का रहता है, तब एक फीमेल बनती है। अब अगर ये पेरेंट्स हैं तो इनका आने वाला बेबी कैसा हो सकता है, इस बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक अगर हम देखें एक बेबी गर्ल के लिए अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि एक गर्ल को बनने के लिए डबल एक्स चाहिए, तो डबल एक्स के लिए तो एक तो एक्स यहाँ से चाहिए होगा और एक एक्स यहाँ से चाहिए होगा, ठीक। एक पेरेंट में से जो माता पिता है उनमें से किसी एक से हम एक ही चीज़ वहाँ से आएगी यहाँ पर, इधर से एक चीज़ आएगी, तभी एक बेबी का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे समझेंगे कि यहाँ से मान लीजिए इसमें एक्स और एक्स चाहिए, तो अब अगर इन दोनों में से हम बात करें तो इन दोनों में से यहाँ क्या आ सकता है एक बेबी गर्ल के लिए, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तो वाई है तो वाई तो आएगा नहीं यहाँ पे क्योंकि लड़की है ये, तो एक्स ही चाहिए और एक्स भी डिफेक्टिव है ये,
तो जो इसमें कि हीमोफीलिया है तो ये तो आना ही आना है यहाँ पर, तो जब ये आएगा तो ये एक्स यहाँ आ गया यानी हीमोफीलिया यहाँ आ गया। अब इसको एक तो यहाँ से मिल गया, अब एक इधर से चाहिए, तो अब एक इधर से चाहिए, तो एक चाहे ये आ जाए या फिर ये, तो दोनों ही ठीक है, इनमें से कोई भी आ सकता है, दोनों ही एक्स में से, तो कोई सा भी अगर हम यहाँ से एक अगर एक्स यहाँ पर ले लें तो ये दोनों जब मिलेंगे तो एक बेबी गर्ल तैयार होगी, और वो बेबी गर्ल जब तैयार होगी तो वो एक कैरियर गर्ल होगी, जिसे हम कैरियर गर्ल कहेंगे। तो ये कैरियर हो जाएगी हीमोफीलिया की आगे की नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अब अगर हम बेबी बॉय की बात करें तो बेबी बॉय के लिए जैसे इस पिता को हमने देखा कि उसमें एक्स और वाई होता है, ऐसे यहाँ भी एक्स और वाई है, तो एक्स जो रिप्रेजेंट करता है फीमेल को और वाई रिप्रेजेंट करता है मेल को, तो तभी दोनों के कॉम्बिनेशन से एक मेल बनता है, जैसे यहाँ पर हमने आपको अभी आपको समझाया। तो अब अगर यहाँ लड़का है तो लड़के के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि उसको वाई चाहिए, तभी वो एक लड़का बनेगा यहाँ पर, एक्स के साथ साथ उसे वाई चाहिए। तो जब वाई चाहिए तो वाई उसको कहाँ से मिलेगा, पिता से, और एक्स कहाँ से मिलेगा, जब इधर से भी हमें एक ही चीज़ लेनी है, तो जब एक चीज़ यहाँ से इधर आएगी तो यहाँ से सिर्फ जब लड़का होगा तो यहाँ से ये एक्स नहीं आएगा, क्योंकि लड़का है तो वाई ही आएगा, तो वाई से ही लड़का बनेगा, तो जब वाई इधर आएगा तो वाई तो इधर आ गया। अब इसको बचा x, क्योंकि एक मेल में x और y दोनों होते हैं, तो x इसको मिलेगा मदर से, तो मदर में चाहे ये आ जाए या ये आ जाए, दोनों में से कोई सा भी आ जाए, तो अगर ये इधर आ जाता है तो ये जो बॉय होगा ये नॉर्मल होगा, ठीक है, ये नॉर्मल बॉय होगा और इसको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। तो ये नॉर्मल बॉय हो गया और ये कैरियर हो गई। तो ये इस तरीके इस स्थिति में है जहाँ पर पेरेंट्स में से पिता को हीमोफीलिया है और फिर उनके बेबी में इस तरीके से ये कंडीशंस आगे आ सकती हैं। अब हम समझेंगे कि अगर मदर को हीमोफीलिया है तो फिर आगे किस तरीके की कंडीशंस आ सकती हैं। अब हम यहाँ पर इस डायग्राम से समझेंगे कि अगर पेरेंट्स में से मदर को हीमोफीलिया है तो फिर उनके बेबीज जो होंगे उनमें क्या संभावना हो सकती है हीमोफीलिया की। यहाँ आप देख रहे हैं, फिर से मैं एक बार समझा दूँ कि मेल में दो चीज़ें होती हैं, एक फीमेल का भी अंश होता है और मेल का अंश भी होता है, जिसे हम एक्स और वाई कहते हैं, जिससे कि एक मेल बनता है, और जहाँ फीमेल होती है उसमें एक्स जो कि फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और फिर एक्स जो फिर फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी डबल फीमेल का अंश इस तरीके से यहाँ पर कॉम्बिनेशन एक फीमेल का बनता है। उसी तरीके से अगर हम इनमें से कॉम्बिनेशन को देखें तो अगर इनका कोई बेबी आगे होता है, अगर वो मेल है तो उसको मेल बनने के लिए जाहिर सी बात है पिता से उसको वाई चाहिए, क्योंकि वाई ही एक मेल को रिप्रेजेंट करता है, एक्स फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर एक ही वाई है, तो जब यहाँ से वाई इधर आ जाएगा तो यहाँ पर एक पुरुष का अंश आ गया, अब एक एक्स उसको चाहिए। अब ये एक्स तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी वाई आ गया ना, तो वाई ही चाहिए यहाँ पर क्योंकि एक मेल के लिए। अब एक्स यहाँ से आएगा तो मान लीजिए ये वाला एक्स ना आके जो डिफेक्टिव है, अगर ये फ्रेश एक्स इधर आ जाता है यहाँ पर, तो एक नॉर्मल बॉय होगा यहाँ पर, ठीक है, ये नॉर्मल बॉय। और अगर यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं कि यहाँ से हमें एक फ्रेश एक्स मिला जो कि पिता से मिला और इसमें कोई बीमारी भी नहीं है, इसलिए ये एक्स यहाँ से इधर आ गया, और माता से उसको उसकी मदर से ये वाला एक्स इधर आ गया, अगर सपोज करते हैं तो ये भी हो सकता है कि ये अगर इधर आ जाए तो फिर ये नॉर्मल भी हो सकता है। तो अगर रेड वाला जो दिख रहा है एक्स अगर इधर आ जाता है तो ये एक कैरियर बेबी हो जाएगा, कैरियर फीमेल, कैरियर हो जाएगा ये, ठीक है, और कैरियर गर्ल, ठीक। अब अगर हम मेल के बारे में बात करें तो मेल को बनने के लिए फिर वाई चाहिए जो कि उसको पिता से मिलेगा, तो वाई अगर यहाँ आ जाता है
और अब इसको x चाहिए, तो x अगर ये वाला x यहाँ पर आ गया तो इसका फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन ये एक हीमोफीलिया का पेशेंट हो जाएगा आगे चल के, और ये फिर नेक्स्ट जनरेशन को भी आगे फॉरवर्ड करेगा। इसी तरीके से अगर हम ये मानते हैं कि संभावना ये हो कि बेबी गर्ल हो, तो उसमें ये फिर कंडीशन ये भी हो सकती है संभावना कि माँ से तो उसको एक्स मिला और जो पिता से ये वाला एक्स आ गया, तो अगर ये वाला एक्स यहाँ पहुँच गया तो क्योंकि ये फ्रेश एक्स है और यहाँ से तो माँ से उसको ये मिल ही गया, तो ये तो फ्रेश है ही, तो उसको क्या होगा कि यहाँ पर दोनों एक्स उसको ठीक मिल गए, यहाँ से माँ से भी और इधर पिता से भी, और दोनों एक्स से ये जो बेबी तैयार हुआ ये एक सही बेबी तैयार हुआ, यानी नॉर्मल बेबी, ठीक है, नॉर्मल गर्ल, और ये हीमोफीलिक बॉय। तो ये इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं यहाँ पर कि इसमें दोनों ही संभावनाएं हैं, कि जैसे यहाँ पर बताया कि नॉर्मल बॉय हुआ तो नॉर्मल बॉय की जगह ये कंडीशन भी हो सकती है, एक हीमोफीलिक बॉय भी हो सकता है, और उसी तरीके से अगर हीमोफीलिया की कैरियर अगर उस लड़की होती है तो वो नॉर्मल भी हो सकती है, दोनों में कोई भी स्थिति हो सकती है। अब ये तो फॉर्मेशन के ऊपर है कि जब बेबी का फॉर्मेशन हुआ है, जब कंसीव हुआ है बेबी, तो कौन से क्रोमोसोम से मिलकर वो तैयार हुआ है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप आई थिंक सो कि ये जो डायग्राम मैंने बनाकर इसको समझाया है आपकी समझ में आ गया हो। तो व्यूअर, अगर आपका क्वेश्चन एक्स और वाई से संबंधित है, और अगर आपका ये क्वेश्चन है कि ये कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, तो मैं समझता हूँ कि जो अभी आपको हमने बोर्ड पे बताया उससे आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आप मुझे नीचे कमेंट ऑप्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। एक चीज़ और हम आपसे यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जब आप हमारी ये वीडियोज़ देखते हैं तो इसका फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक हमें डायरेक्शन देते हैं और हमें ये पता चलता है कि आप हमारे वीडियोज़ में और नया क्या चाहते हैं या कितना इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसके लिए दो ऑप्शन आपके पास हैं, आप या तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट ऑप्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और आप इन्हें रेगुलर देखते हैं तो फिर यहाँ जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है आप उसे दबा कर इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर दी जाने वाली जो डिफरेंट नॉलेज है, हम हॉस्पिटल के कंसर्न में जो आपको एक ऑथेंटिक जानकारी जो यहाँ पर देते हैं उससे आप हमेशा टच में रहेंगे, और हमेशा आप यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं जिसका जवाब हम एक ऑथेंटिक रिसोर्स से लेकर आएंगे। तो आई थिंक सो कि जो आपने मुझसे आज क्वेश्चन किया था उससे आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।